24 नंबर, ट्रायंगल ए बी सी डी एफ के सिमिलर है और यहाँ पे दो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दिए हुए हैं बी सी और ई एफ, ए बी सी का एरिया भी दिया हुआ है तो हमें डी ई एफ का एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पर दिया 24 नंबर में कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी एफ के, तो जब ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया का जो रेशियो होगा इन दोनों ट्रायंगल का, वह किसके इक्वल होगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, यानी बी सी बाई ई एफ के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। तो देखिए ए बी सी का एरिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी ई एफ का तो हमें पता नहीं है, यही हमें निकालना है। ठीक है चलिए, और इधर देखते हैं आप, बी सी है आपका 3 सेंटीमीटर, ये ई एफ है आपका 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। ठीक है आप इसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पर 54 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू में 9/16। चलिए तो ये इधर लेके आते हैं, 16 इधर मल्टीप्लाई में और 9 डिवाइड में, इनकी 54 इंटू में 16/9 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ होगा। चलिए इसको थोड़ा कैलकुलेट कर देते हैं, यहाँ पे देखिए 6 टाइम्स में हो जाएगा। ठीक है यानी कि आ जाएगा यहाँ पर कितना, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ हो जाएगा। ठीक है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।